गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स और एजेंट्स. तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स आर द स्पेसिफिक ड्रग्स टू ट्रीट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी साइकोटिक एजेंट्स. जो एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स हैं ये स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ये एक एंटी साइकोटिक एजेंट्स की तरह काम करते हैं. साइड इफेक्ट आर पार्किंसोनियन एस्थीजिया, एक्यूट डिस्टोनिया और डिसकाइनेजिया. इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? एकेस्थीजिया, एक्यूट डिस्टोनिया, ट्रेडाइव, डिसकाइनेजिया. एंटीकोलर्जिक एंटी हिस्टामिन्स एंड एमेंटोडाइन आर यूज टू ट्रीट साइड इफेक्ट. इसके लिए हम एंटीकोलर्जिक एंटी हिस्टामिन और एमेंटोडाइन का यूज़ करते हैं साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए. मोड ऑफ एक्शन क्या है? एंटीकोलर्जिक ड्रग्स ब्लॉक द एक्सक्रीशन. जो एंटीकोलर्जिक ड्रग्स होती हैं एक्सक्रीशंस को ब्लॉक करती हैं और रिड्यूस करती हैं सिम्टम्स ऑफ एकेस्थीसीजिया और एक्यूट डिस्टोनिया. इट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट टार्डिव डिसकाइनेसिया. और ये इफेक्टिव नहीं होती, इसको हम डिसकाइनेसिया के लिए यूज़ नहीं करते. तो एंटीकोलर्जिक ड्रग क्या होती है? ये ब्लॉक करती हैं सेक्रीशंस को और रिड्यूस करती हैं सिम्टम्स ऑफ एकेस्थीसीजिया एंड डिस्टोनिया. एंटीहिस्टामिन्स हैव इफेक्ट लाइक एंटीकोलर्जिक ड्रग्स. एमेंटोडाइन्स आर डोपामाइन रिलीजिंग एजेंट्स फ्रॉम सेंट्रल न्यूरॉन्स. जो एंटीकोलर्जिक ड्रग्स होते हैं इनका इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर. ये होते हैं, ये डोपामाइन रिलीजिंग एजेंट्स होते हैं, डोपामाइन को रिलीज करते हैं सेंट्रल न्यूरॉन से और ये अफेक्ट करते हैं क्लाइंट्स को जिनको डिसकाइनेसिया होता है. नेक्स्ट है इंडिकेशन. एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम. इसको मेनली हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. इंडिकेशन में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या क्या है इसमें? पेशेंट हिस्ट्री ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा. अगर पेशेंट को क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, आई डिसऑर्डर्स है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है इंटेस्टाइनल में, हाइपर सेंसिटिविटी है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है या फिर टैकिकार्डिया है तो ये ड्रग्स नहीं यूज़ करने हैं. नेक्स्ट है, देयर ड्रग आर गिवन इन कॉशन टू पेशेंट मिस्थीनिया ग्रेविस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. अगर ये पेशेंट को प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी में, मिस्थीनिया ग्रेविस है या उसकी बोन्स में अगर प्रॉब्लम है और ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं तो ये ड्रग्स नहीं यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एंटीकोलर्जिक ड्रग्स. एमेंटोडाइन इज गिवन विद द कॉशन पेशेंट विद रीनल इम्पेयरमेंट. इसका भी ध्यान रखना, अगर पेशेंट को रीनल इम्पेयरमेंट तब भी इस ड्रग का यूज कम करना क्योंकि ये ड्रग जो होती है एक्सीडेंट होती है किडनी के थ्रू तो ये ह्यूमन को अच्छी तरह से इफेक्ट कर देगी. तो इन कंडीशन में हमने पेशेंट को ये ड्रग नहीं देनी है. ग्लूकोमा, ऐसे आई डिसऑर्डर है, कोई पेट में ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है या फिर टैकिकार्डिया है, अदर कार्डिक डिसऑर्डर्स हैं, रीनल प्रॉब्लम्स हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये ड्रग का यूज़ नहीं करना है. क्लासिफिकेशन में क्या है? एंटीकोलर्जिक फर्स्ट है, एंटीकोलर्जिक सेकेंड है हमारा एंटीहिस्टामिन, थर्ड है हमारा डोपामाइन ड्रग्स. तो एंटीकोलर्जिक के अंदर आते हैं हमारे बेंजोट्रोपिन, बिलपेरिडिन, एचसीएल, हाइड्रोक्लोराइड, ट्राईहेक्सी, फेनडाइल हाइड्रोक्लोराइड, प्रोसाइक्लिड हाइड्रोक्लोराइड. एंटीहिस्टामिन के अंदर आते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन, इसके अंदर आता है हमारा एग्जांपल बेनाड्रिल का. नेक्स्ट डोपामिन ड्रग के अंदर आते हैं एल-डोपा, एमेंटोडाइन हाइड्रोक्लोराइड, सेलिजाइन और कार्बिडोपा. तो ये हमारे ड्रग्स हैं. क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है एंटीकोलर्जिक, सेकेंड एंटीहिस्टामिन, थर्ड हमारा डोपामिन ड्रग्स. नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स. अब साइड इफेक्ट में क्या क्या है एंटीकोलर्जिक साइड इफेक्ट में क्या क्या है इसमें? ड्राई माउथ होने के चांस रहेंगे पेशेंट को, फ्लश्ड, ड्राई स्किन, ब्लर्ड विजन, फोटोफोबिया, इंक्रीज हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन टेंशन और मेंटल कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट. तो इसके साइड इफेक्ट रहेंगे ड्रग के पेशेंट के ऊपर. एंटीहिस्टामिन्स के रहेंगे, एंटीहिस्टामिन के यूज़ से पेशेंट को ड्रोजनेस होगी, डिजनेस होगी, एनरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी उसको, नोजिया, वॉमिटिंग, यूफोरिया, उसकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन रहेगा, वेट गेन, वीकनेस, टिंगलिंग ऑफ हैंड्स. तो ये एंटीहिस्टामिन्स के थ्रू रहेगा. नेक्स्ट है एमेंटोडाइन. एमेंटोडाइन से क्या रहेगा? उसका मूड चेंज होगा, स्लर्ड स्पीच रहेगी, इंसोमनिया, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट मींस कि वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट कभी ध्यान नहीं दे पाएगा, ड्राई माउथ, लिबिडो रेटिकुलरिस दैट इज रेड ब्लू नेट लाइक डिसकलरेशन ऑफ द स्किन विच बिकम वर्स इन विंटर. तो हमारे इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हैं एंटीकोलर्जिक के, एंटीहिस्टामिन्स के और एमेंटोडाइन के. एंटीकोलर्जिक में क्या होगा? ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, ब्लर्ड विजन, फोटोफोबिया, इंक्रीज हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी टेंशन और मेंटल कन्फ्यूजन. एंटीहिस्टामिन्स क्या होगा? ड्रोजनेस, डिजीनेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, यूफोरिया और ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन और वेट गेन और वीकनेस. एमेंटोडाइन से क्या होगा? इंसोमनिया, स्लर्ड स्पीच, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ड्राई माउथ, लिबिडो रेटिकुलरिस, ये सारे एमेंटोडाइन
साइड इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स फर्स्ट है इसमें ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट का, अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर कोई टैकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, सेडेशन, एंड्रोजिनस या ब्लड विजन के सिम्टम तो नहीं है। उसका इंटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन करना है, एडिक्वेट इंटेक ऑफ फ्लूड एंड रफेज इन डाइट, उसको अच्छी तरह से फ्लूड्स देने, जूस वगैरह देने हैं और रफेज डाइट देनी है उसको, पतली पतली सी जैसे खिचड़ी वगैरह हो गया, दलिया हो गया, ऐसी डाइट देनी है। रिकॉर्ड द वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, उसका जो वाइटल साइंस है वो चार घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व करना है अच्छी तरह से। पेशेंट को अच्छी साइड लाइंग पोजीशन देनी है, पेशेंट को बिठाना अच्छी तरह से उसको, क्योंकि उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट टेस्ट में एजुकेट द पेशेंट नॉट टू यूज़ हैजार्डस मशीनरी ड्राइविंग व्हेन इज ऑन द एंटीकोलर। जब भी पेशेंट को ड्रग दिया हमने तो उसको बोलना है कि ड्राइविंग नहीं करनी है, अगर वो ड्राइविंग करेगा तो उसका एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये ड्रग जो होती है सेडेशन कॉज करती है। एनकरेज द पेशेंट टू गेट हिज रूटीन चेकअप, पेशेंट को बोलना है कि डेली उसने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना है, और ये भी देखना है कि उसको कोई सिम्टम तो नहीं हो रही, ब्लड विजन या ग्लूकोमा, कोई आई के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। रिकॉर्ड द मेडिसिन साइड इफेक्ट एक्यूरेटली, उसका जो मेडिसिन का चार्ट है, साइड इफेक्ट है मेडिकेशन, उसको अच्छी तरह रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करने उसका साइड इफेक्ट, और डॉक्टर को डॉक्टर जो है उसे ऑब्जर्व करता है हर एक दिन। तो ये हमारे एंटीपार्कोनिस ड्रग्स थे, ये हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू।